दीपोत्सव का ये उत्सव राम विजय का उत्सव है, अयोध्या की धरती पर उनके आगमन का उत्सव है। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है, भगवान है सभी धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। जब जब धर्म और सत्य की हानि होगी, प्रभु आएंगे, धनुष बाण उठाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। भक्तों की भक्ति से जगमगाता हर एक धड़कन में बसा है एक ही नाम, जय श्री राम। धर्म और कर्तव्य से बंधे श्री राम माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बांध छोड़ हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान कर गए। पत्नी धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी श्री राम के संग, भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मारी सीता न ही लक्ष्मण मारी। विलक्षण है ये प्रेम, पुत्र का अपने पिता से, पत्नी का अपने पति से और भाई का अपने भाई से। देखा था प्रभु श्री राम के हाथों रावण का उद्धार, कभी तो शिव का परम भक्त होते हुए ज्ञानवान होते हुए मती मारी गई रावण की, किया माता सीता का अपहरण, किया धर्म और मारा गया प्रभु के हाथों। धर्म अयोध्यावासियों, हम सब हैं प्रभु श्री राम की प्रजा। देखिए अधर्म और असत्य के बीच रावण का होता है जहर आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश, अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। रावण का अंत कर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठा प्रभु श्री राम माता सीता भाई लक्ष्मण और वीर हनुमान के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रही है। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था, इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आज का ये दीपोत्सव धर्म की स्थापना और न्याय का उत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रेता युग की अयोध्या 16,000 साल जीती है। आज राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर दिव्यता सत्य धर्म और न्याय का आलोक दिखता है। श्री रामचंद्र चरणाओ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणाओ वचसा विनामि, श्री रामचंद्र चरणाओ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणाओ शरणम गच्छे। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में स्थापित बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को सलाम। We'll be right back.
मित्रता और आस्था का, अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को रौंदा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना और हनुमान से उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मंदिर किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बखूबी संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीक में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त सभी आयोजकों